दोस्तों आईपीएल 2024 के एडिशन का पहला मुकाबला यहां पर 22 मार्च को चेन्नई इसके साथ ही आरसीबी के बीच यहां पर होना है, जहां पर चेन्नई के होम ग्राउंड चेपोक में ये मुकाबला होगा। आपको इस वीडियो में इस मुकाबले के रिगार्डिंग सब कुछ ए टू जेड डिटेल इन्फॉर्मेशन बताइएगी, आपको बताया जाएगा आखिर कितनी बजे ये मुकाबला शुरू होगा, कौन से चैनल्स पर आप इस मुकाबले को इन मुकाबलों को लाइव देख पाओगे। इसके साथ ही इस मुकाबले के लिए दोनों टीमों के आपको कन्फर्म्ड प्लेइंग 11 बताइएगा और आपको बताया जाएगा कौन कौन से प्लेयर्स मुकाबले में अवेलेबल होंगे, कौन कौन से प्लेयर्स इस मुकाबले में अवेलेबल नहीं होंगे। इसके साथ ही आपको इस मुकाबले की प्रिडिक्शन भी बताई जाएगी, आपको बताया जाएगा आखिर इस मुकाबले को कौन सी टीम जीतेगी। तो मैच से पहले आपको पता चल जाएगा कौन सी टीम मुकाबला जीतेगी, इसीलिए आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आप क्रिकेट से जुड़ी कोई भी खबर कोई भी अपडेट मिस ना कर पाए। तो अब हम बात करते हैं इस मुकाबले की सारी डिटेल्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं डेट और टाइमिंग, तो 22 मार्च को यह मुकाबला शुरू होना है, यहां पर रात 8 बजे ये मुकाबला शुरू होगा, बाकी सारे मुकाबले 7:30 बजे शुरू होंगे। ये मुकाबला इसीलिए लेट होगा क्योंकि उस दिन हमें ओपनिंग सेरेमनी देखने को मिलेगी जो कि 7:30 बजे तक चलेगी, इस वजह से 8 बजे ये मुकाबला होना और चेपोक में ये मुकाबला होगा, चेन्नई के होम ग्राउंड में ये मुकाबला होगा। अब बात करते हैं हेड टू हेड की, आखिर अब तक दोनों टीमों के आईपीएल में कितने मुकाबले रहे, कौन सी टीम हावी रही है। तो अब तक दोनों टीमों के आईपीएल में 30 मुकाबले हो चुके, 19 मुकाबले चेन्नई ने जीते, आरसीबी ने 10 मुकाबले जीते और एक मुकाबला नो रिजल्ट रहा। इसके साथ ही चेपोक में अब तक जो 9 मुकाबले दोनों टीमों के बीच हुए उनमें से 8 मुकाबले चेन्नई ने जीते, आरसीबी ने केवल एक ही मुकाबला जीता जो कि 2008 में यहां पर जीता था। उसके बाद पिछले इतने सालों से 2009 के बाद से यहां पर आरसीबी चेपोक में एक भी मुकाबला नहीं जीत पाई, तो इस बार आरसीबी के पास मौका है कि इतने लंबे यहां पर इंतजार को तोड़ दिया जाए, चेपोक में मुकाबला जीता जाए। अब हम बात करते हैं यहां पर इस मुकाबले के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की, आखिर यहां पर 22 जनवरी को आईपीएल के पहले मुकाबले में किस प्रकार से दोनों टीमों की प्लेइंग 11 रहेगी। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आरसीबी की प्लेइंग 11 से, आरसीबी कैसी प्लेइंग 11 रहेगी, कौन से 4 विदेशी खिलाड़ी आखिर इस टीम के लिए प्लेइंग 11 में रहेंगे, तो सबसे पहले फेफ डू प्लेसिस और विराट कोहली इस टीम के लिए ओपन करेंगे। नंबर 3 पर रजत पाटीदार, हेजोप नाउ तो यही अपडेट की वो खेलेंगे और नंबर 4 पर मैक्सवेल खेलेंगे, जबकि नंबर 5 पर यहां पर महिपाल लोमरोर खेलेंगे, नंबर 6 पर कैमरून ग्रीन और नंबर 7 पर यहां पर दिनेश कार्तिक खेलेंगे। हालांकि हो सकता है कि अगर विकेट जल्दी हो या फिर कुछ हो तो दिनेश कार्तिक ऊपर भी आ सकते हैं। इसके साथ ही यहां पर इसके बाद नंबर 8 पर मयंक डागर खेलेंगे जो कि बल्लेबाजी भी कर सकते हैं और गेंदबाजी के बेहतरीन विकल्प है। इसके बाद नंबर 9 पर लोकी फर्ग्यूसन खेलेंगे जो कि इस टीम के लिए लीथल गेंदबाज के रूप में रहेंगे। नंबर 10 पर सिराज और नंबर 11 पर यश दयाल इस टीम के लिए खेलेंगे, तो बेहतरीन यहां पर ऑन पेपर इस टीम की प्लेइंग 11 लग रही है। स्टार्टिंग मुकाबलों में फेफ डू प्लेसिस, मैक्सवेल इसके साथ ही कैमरून ग्रीन और यहां पर फर्ग्यूसन इस टीम के 4 विदेशी खिलाड़ी यहां पर रहेंगे। अब हम बात करते हैं यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 की, तो चेन्नई के लिए जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके अकॉर्डिंग गायकवाड और ड्वेन कॉनवे ओपन करेंगे। इसके साथ ही समीर रिजवी यहां पर नंबर 3 पर खेलेंगे, नंबर 4 पर डेरियल मिचेल खेलेंगे, नंबर 5 पर शिवम दुबे, नंबर 6 पर मोइन अली, नंबर 7 पर यहां पर एमएस धोनी कप्तान जो कि यहां पर खेलेंगे, नंबर 8 पर रविंद्र जाडेजा, नंबर 9 पर शार्दुल ठाकुर, नंबर 10 पर दीपक चहर और नंबर 11 पर पति राणा खेलेंगे। इस प्रकार से इस टीम की प्लेइंग 11 रहेगी। हालांकि खबर यह है कि ड्वेन कॉनवे शुरुआती मुकाबले को मिस कर सकते हैं, तो ड्वेन कॉनवे अगर शुरुआती मुकाबले में अवेलेबल नहीं होंगे तो रचिन रविंद्र गायकवाड़ के साथ ओपन करते हुए दिख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहां पर इस टीम की प्लेइंग 11 रहेगी जहां पर नंबर 10 तक इस टीम के पास बल्लेबाजी के विकल्प है। तो कुल मिलाकर ऑन पेपर चेन्नई की भी यहां पर प्लेइंग 11 काफी स्ट्रॉन्ग, काफी यहां पर बेहतरीन लग रही है। अब बात करते हैं इस मुकाबले की प्रेडिक्शन की, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आईपीएल के हम 5 टिकट्स यहां पर गिव अवे कर रहे हैं। 5 टिकट्स यहां पर जीतने का आपके पास सुनहरा और बेहतरीन मौका है। वो जीतने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल करें, बस हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहला मुकाबला जिस दिन शुरू होगा उससे कुछ घंटे पहले यहां पर टिकट के विनर्स के नाम अनाउंस होंगे, तो आप भी यहां पर 5 टिकट्स में से 1, 2, 3 टिकट जीत सकते हो। तो फटाफट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और आप कमेंट करके बताएं आप कौन से मुकाबले का टिकट जीतना चाहते हो। बात करते हैं इस मुकाबले की प्रेडिक्शन की, तो ऑन पेपर और यहां पर पास्ट के रिकॉर्ड को देखते हुए ये मुकाबला जीतने के यहां पर चेन्नई के 55% चांस है जबकि आरसीबी के 45% चांस है, लेकिन आरसीबी की टीम उलटफेर कर सकती है। बड़ा यहां पर उलटफेर और बड़ा यहां पर बदलाव आरसीबी की तरफ से यहां पर देखने को मिल सकता है। आरसीबी की टीम यहां पर लंबे इंतजार के बाद चेपॉक में मुकाबला भी जीत सकती है। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग इस मुकाबले का क्या रिजल्ट रहेगा, कौन सी टीम ये मुकाबला जीतेगी, इसके साथ ही कौन सा प्लेयर इस मैच में मैन ऑफ द मैच बनेगा। आप यहां पर अपनी प्रिडिक्शन नीचे कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।